हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखा, हम लोग उत्तराखंड गए हुए थे, तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे। एंड घर की जो हालत है वो तो आपको पता ही होगा, जब इतने टाइम के लिए आप घर को ऐसे छोड़ के जाते हैं तो घर की क्या हालत होती है। जयपुर में तो आंधी तूफान इतनी चलती है कि पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। आज मुझे पूरा दिन लगेगा घर की साफ सफाई, डस्टिंग, जो कपड़े हम लेके गए थे उनमें से जो ड्राई क्लीन वाले हैं उन्हें अलग करने में, वॉश करने हैं उन्हें अलग करने में। अभी रात जा चुके हैं और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया। सुबह सुबह मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने सोचा अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। एंड अभी सबसे पहले मैं बनाऊंगी मेरे लिए चाय, क्योंकि बिना चाय के मेरी बैटरी चार्ज नहीं होती, तो मैं दूध लेके आ गई थी। क्योंकि कल रात को हम लोग काफ़ी लेट घर पे पहुंचे थे तो शॉप्स वगैरह सारी बंद हो गई थी। एंड जो अंकल है जो दूध देने आते हैं हमें, तो उनको भी मैं बोलना भूल गई थी, तो वो तो शाम को आ जाएंगे। तो मैं अभी के लिए दूध मॉल से लेके आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले किचन में, चाय बनाते हैं फिर घर का सारा काम करते हैं। जब तक हमारी चाय यहाँ पे बन रही है तब तक मैं डिनर के लिए राजमा भी भिगा देती हूँ। ये राजमा मैं पहाड़ से ही लेके आई थी, वहाँ की जो दालें होती है, राजमा होती है, वो काफ़ी टेस्टी होती है। तो आज डिनर में हमारे राजमा चावल ही बनेगा। एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी राजमा की ही। चाय मैंने पी ली है एंड मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि पूरा घर एक ही जैसा हो रहा है, धूल मिट्टी पूरे घर में एंड कपड़े भी जगह जगह। अभी आधा मैंने बैग इनका खाली कर दिया, अभी मेरा बचा है, क्योंकि मैं अभी कपड़े डिवाइड कर रही हूँ कि जो मुझे वॉश करने हैं, जो ड्राई क्लीन के लिए देने हैं, क्योंकि शाम को फिर मैं ड्राई क्लीन के लिए दे दूँगी, एंड जो वॉश करने हैं उन्हें मैं अलग कर रही हूँ। तो अब कमर कस लेते हैं क्योंकि मौज मस्ती बहुत हो गई और घर की साफ सफाई कर लेते हैं। तो मैं फ़ोन को लगा देती हूँ ट्राईपॉड पे और शुरू कर देती हूँ अपना काम। एंड मेरे पिंपल्स आप देख सकते हैं, मतलब जैसे ही पानी चेंज होता है ना मेरे पिंपल्स शुरू हो जाते हैं, इतना गुस्सा मुझे आता है ना इन पे, बट कुछ कर नहीं सकते अब तो। अब बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। कपड़े भी मैं साथ के साथ मशीन पे, वॉशिंग मशीन पे वॉश करने के लिए डालती जा रही हूँ। कुछ आज धो लूँगी, कुछ कल धो लूँगी। तो अभी मैं इसको लगा देती हूँ ट्राईपॉड पे एंड घर की साफ सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। घर का सारा काम हो गया है और अभी बच रहे 3। मैंने फिर से नहा लिया, चेंज कर लिया और मुझे भूख भी लग गई थी तो मैंने अपने लिए लंच भी बना लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या बनाया है। मैंने बनाई है यहाँ पे प्याज की सब्जी। मैं अकेली हूँ, राज ऑफिस जा चुके हैं, मम्मी भी घर पे नहीं है। मैंने एक प्याज का वो कट करके उसकी इस तरीके की सब्जी बना ली है। यहाँ पे बटर मिल्क, चपाती। तो ये है मेरा लंच। एंड लंच करने के बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि सुबह से काम करते करते थक गई हूँ एंड गांव में भी नींद पूरी नहीं हुई है। तो मैं अब आपसे चाय पे ही मिलूंगी।
सो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे चाय पीने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि खाना मैंने लेट ही खाया था, तो मैंने शाम की चाय स्किप कर दी। तो अभी हम चढ़ा देते हैं राजमा उबलने के लिए। सो राजमा हमारे अच्छे से भीग चुके हैं, आपने देखा था मैंने सुबह से भिगा दिया था। तो अब इसे मैं गैस पर रख देती हूँ उबलने के लिए। इसमें मैं डालूंगी 2 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ता और नमक। बस अब मैं इसको बंद कर दूंगी। इसमें मैं 2 विसिल लगाऊंगी एंड फिर मैं लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये अच्छी राजमा है, जल्दी गल जाएगी। कुछ राजमा ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत सीटी लगाओ तब भी वो नहीं गलती है। सो राजमा हमारी अच्छे से गल चुकी है एंड अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला है, हम ज़्यादातर खाने में सरसों का ही ऑयल यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहें तो इसे बारीक चॉप कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी पीस सकते हैं। उसी तरीके से मैंने एक टमाटर लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन लिया है, अदरक को मैंने छील लिया है। एंड हमें चाहिए होंगे बेसिक से मसाले जो हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया, नमक। सो ये सब हमें चाहिए। सरसों के तेल को अच्छे से जब तक जलेगा नहीं ये तब तक मैं इसमें नहीं डालती हूँ, तो जब ये अच्छे से पक जाएगा, जल जाएगा, तब मैं इसमें जीरा डालूँगी। एंड यहाँ पे मैंने सब्जियाँ भी वॉश करके रख दी है, राज अभी लेके आ गए थे तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करके सूखने के लिए यहाँ पे रख दी है। यहाँ पे धनिया और पुदीना है जिसे मैं अभी क्लीन करके अच्छे से फिर फ्रिज में रखूंगी। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे राइस है इसे भी भिगाने के लिए रख देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब एक बार राइस को सिर्फ वॉश करती हूँ उसके बाद जो इसका पानी होता है इसे मैं फेस वॉश करने के लिए या फिर बालों के लिए यूज़ करती हूँ। ये आपकी स्किन के लिए और हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो आप अभी देखेंगे तेल हमारा अच्छे से जल चुका है, इसमें से धुआं आ रहा है। सो अभी मैं क्या करूँगी, गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं अगर इसमें एकदम से प्याज वगैरह डालूंगी तो वो जल जाएंगे और जला हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैं बंद कर दूंगी और 1 मिनट बाद फिर मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। सो 1 मिनट हो गई है, अभी मैं क्या करूँगी, इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करूँगी एंड थोड़ा मैं भुना हुआ जीरा बाद में यूज़ करूँगी। जीरा हमारा ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज और अभी मैं गैस को ऑन कर दूंगी। एक हाथ से ब्लॉगिंग करना और खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा एंड जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसे भूनेंगे। जब तक हमारा प्याज यहाँ पे भून रहा है तब तक मैं क्या करूंगी, ये जो लहसुन और अदरक हमने लिया है इसे मैं अच्छे से इसमें कूट लूंगी। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। सो प्याज हमारा भुन गया था, मैंने उसके बाद अदरक लहसुन भी डाल लिया था, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। अभी मैंने इसमें ऐड किया है टमाटर, तो अब मैं जितने भी हमारे ड्राई मसाले हैं वो सारे इसमें ऐड कर दूंगी। गरम मसाला डालूंगी, हल्दी डालूंगी, मिर्च डालूंगी, अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं लाल मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ एंड धनिया पाउडर डालूंगी। नमक भी ऐड करूंगी, मैंने नमक जब राजमा बॉईल किया था तब ऐड करा था, तो अभी मैं नमक थोड़ा कम डालूंगी एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब और अब हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि जो तेल है वो मसालों से अलग नहीं हो जाता।
सो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी, भुना हुआ जीरा, तो 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें वो भी ऐड कर दूंगी। सो अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं तेल जो है वो मसाले में से अलग हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मसाला है ये मैं राजमा में ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो राजमा कढ़ाई में डाल सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, टेस्ट दोनों का सेम रहेगा। सो मैं अभी ये जो मसाला है ये इस राजमा में ऐड कर रही हूँ। सो मैंने मसाला राजमा में ऐड कर दिया है। पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमें ये राजमा चावल के साथ खाने हैं एंड वैसे हमें बहुत ज़्यादा पानी वाली दालें पसंद नहीं है, इसलिए मैं पानी इसमें कम डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो अब मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी, एक सीटी मैं इसमें लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। तब तक जो सारे मसाले हैं वो राजमा के अंदर चले जाएंगे। तो जी डिनर हमारा तैयार हो गया है एंड राजमा की मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ, देख सकते हैं कितने बढ़िया ये लग रहे हैं। इसमें मैं डाल दूंगी हरा धनिया, तो डिनर में है स्याज कट करके रखा है क्योंकि ये बहुत तेज था, इसलिए मैंने इसे पानी में भिगो के कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, अभी ये ठीक हो गया है। एंड ये राजमा और राइस मैंने बनाए थे जीरे वाले राइस, क्योंकि राजमा के साथ ये अच्छे लगते हैं। एंड यहाँ पे है पहाड़ी रायता जो कि बनता है खीरे और रायका, इसकी रेसिपी मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ये वो पानी है राइस का जो कि मैंने आपको बताया था, एंड मैं अब इसे फ्रिज में रख दूंगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे अपना फेस वॉश करूंगी सोने से पहले। सो गाइस डिनर हमारा हो गया है एंड राजमा सच में काफ़ी टेस्टी बने थे, काफ़ी सिंपल रेसिपी थी, आप लोग भी ट्राई करना। एंड आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए हॉल वीडियो ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।